Yeah, good morning everyone. So this is the first class of Cost and Management Audit Volume 2. You must be knowing the importance of this subject from the academic point of view as well as the practical aspect. Practically जब आप CMAs बन जाओगे और अगर आप industry में जाते हो या practice में जाते हो तो audit तो करनी ही है, right? Audit has become a very crucial aspect. With the introduction of Companies Act 2013, Section 148 आ गया जिसने cost audit को क्या कर दिया? Mandatory for all companies or for some companies? Some companies. उसका एक criteria है जिन companies पे cost audit compulsory हो जाएगी, right? तो इस angle से देखें, statute point of view से तो भी audit mandatory है. और अगर आप ये देखो कि आजकल बहुत सारी fancy audits emerge हो रही है. What do I mean by fancy audits? आप लोगों ने सुना होगा forensic audit. सुना है forensic audit? फिर social audit, information systems audit. पहले क्या होता था? पहले के जमाने में सिर्फ financial accounts audit होती थी. मतलब जो company के PL account, balance sheets ये सब बनेगी उसका audit किया जाएगा. फिर अपने देखते हैं कि नए नए तरह के audits आ रहे हैं. Management audit बोलो. Management audit मतलब क्या? Management की जाके आप audit करोगे. कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे. सो मेनी फैंसी काइंड्स ऑफ ऑडिट्स आर आल्सो इमर्जिंग दीज डेज. तो ऑडिट का इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. एंड रूल्स, जो लॉज रेगुलेशंस है, आप लोगों को पता होगा इतने टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं. कौन सा लेटेस्ट स्कैम अभी जो चल रहे हैं? ILFS. कौन ऑडिटर है उसका? डेलॉयट, राइट. डेलॉयट एंड अ पार्ट ऑफ KPMG, BSRN कंपनी. तो थोड़ा बहुत आप लोग को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? एक दो क्लासेस इंक्रीज हो जाए वो मेरे को चलेगा, बट नॉलेज मेरे को पूरी देनी है. मतलब जितना मेरे को पता है उतना मेरे को आपको देना है. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव. सो मेनी ऑफ यू मस्ट बी सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो आई एम समीक्षा, ठीक है? आई एम योर मेंटर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट वॉल्यूम 2. बाकी अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आपकी बुक के पीछे मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी. नॉट नाउ, घर जाके ब्रेक में. तो फ्यू इयर्स बैक आई वाज आल्सो सिटिंग देयर एंड वी हैड टीचर्स हियर एंड नाउ आई एम हियर एंड यू ऑल आर देयर. सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ टीचर. सो परस्यूइंग माई पैशन आई एम हियर. सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट द क्लास. आप लोगों को पहले मैं बताऊंगी आपका जो बाइफरकेशन है सब्जेक्ट का वो कैसा है, ठीक है? यू डोंट नीड टू राइट, ओके? ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है. जो लिखना होगा वो मैं आपको बता दूंगी. सो यू मस्ट बी नोइंग कि आपका पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. दो पार्ट्स में. वन इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो प्रैक्टिकल जो पेपर होगा वो आपका अराउंड होगा 50 to 60 मार्क्स का. पहले दिन ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है. 50 to 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा. थ्योरी पार्ट बैलेंस 40 to 50 मार्क्स का, राइट? थ्योरी पार्ट में आपके प्रैक्टिकल पार्ट में वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर्स थे? जिन्होंने कर ली क्लासेस 4 चैप्टर्स थे. आपके वॉल्यूम 2 में 8 चैप्टर्स हैं. थोड़ा सा कंटेंट्स खोलिए. Eight chapters, right? So the eight chapters are divided into three categories. एक आपका है cost audit, दूसरा part है internal audit, internal or operational audit, and the third part is speak out guys, management audit.
सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, जिसको अभी तक क्या बोल रहे थे, कॉस्ट ऑडिट जनरली, क्योंकि आप लोग जितना भी कैलकुलेशंस किए हो मोस्टली कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड है, कुछ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज भी आपने पढ़ी हैं। तो थर्ड पार्ट इज मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में अगर आप देखते हो, कंटेंट्स खोलिए, एक आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जो कि आपका पहला चैप्टर है वॉल्यूम टू का। देन यू हैव ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो अभी मैं आपको बताऊं, आपका नया इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, पता है ना आप लोगों को, जनवरी 2019 में। सो दिस इज अ चैप्टर विच हैज़ बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, ये चैप्टर पहले नहीं हुआ करता था, तो इसको अपने थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब अमेंडमेंट्स लाती है, ये अमेंडमेंट एक्चुअली जून 19 से ही एप्लीकेबल थी, बट जून 19 में अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, दिसंबर में आने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आपको जो चैप्टर मिलेगा वो एक चैप्टर है कॉस्ट ऑडिटर प्रोफेशनल एथिक्स, एक और नया चेंज है सिलेबस में, पहले प्रोफेशनल एथिक्स सिलेबस में था, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्या, एज अ कॉस्ट ऑडिटर व्हाट आर द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू अबाइड बाय। अभी गुड न्यूज़ आप लोग समझ लो, या बैड न्यूज़ भी समझ सकते हो, ये प्रोफेशनल एथिक्स वाला पार्ट हटा दिया गया आपके सिलेबस से। बट दुख की बात ये है, जून 19 में फिर भी इससे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, बट आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड इट इन द मटीरियल बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। इफ एट द एंड आई फील दैट आई नीड टू टीच यू ऑल, तो मैं शॉर्ट में आपको इसके कुछ नोट्स दे दूंगी और एक बार ब्रीफ में अपने गो थ्रू कर लेंगे, ताकि 4 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सको, ठीक है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस यू नीड टू कट डाउन समवेयर, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। और हमने इंस्टीट्यूट से इंक्वायर भी किया था, मतलब बिफोर वी पब्लिश दिस मैट वी इंक्वायर्ड कि भाई ये सिलेबस में है या नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछोगे या नहीं पूछोगे, दे सेड नहीं आएगा, जो स्टडी मटेरियल में वही आएगा। सो अकॉर्डिंगली वी प्रिपेयर द मैट दैट वे, बट स्टिल जून 19 में सिंस क्वेश्चन आया, वी विल ट्राई टू कवर इट एट द एंड इफ वी फील, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेंगे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एक चैप्टर है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट एक चैप्टर है XBRL फॉर्मेट में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इन योर मटीरियल। तो ये हो गया कॉस्ट ऑडिट के, इतने पार्ट्स मिलेंगे आपको। इंटरनल ऑडिट सिंपल एक ही चैप्टर है, इसमें आपको बेसिक्स एंड टाइप्स दोनों मिलेंगे, बेसिक्स एंड टाइप्स। मैनेजमेंट ऑडिट ऑल्सो बेसिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, किन किन फंक्शंस में अपने मैनेजमेंट ऑडिट को अप्लाई करते हैं, वो अपने को पढ़ना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो ये दोनों चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब इससे एवरी टाइम आपको 16 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट वाला पार्ट रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट, बट सिंस अ न्यू चैप्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आए। और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उससे पहले इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, बट जून 19 में उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से भी, तो इसकी भी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपका हो गया सिलेबस का बाइफरकेशन फॉर द थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट कुछ मैं अपनी क्लास के रूल्स बता रही हूँ, एकदम ग्राउंड रूल्स जो आपको कुछ फॉलो करने होंगे, बेसिक्स है, कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम, वी एम टू स्टार्ट एट 7 sharp 7, और कभी कभी सिंस सुबह का टाइम है तो 7:15 भी कर सकते हैं, 7:15 नॉट लेटर देन दैट। इन केस यू गेट लेट समडे, साइलेंटली एंटर द क्लास, डू नॉट आस्क मी, डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन, डोंट जस्ट बम्प इनटू द क्लास, अचानक से दरवाजा खोल दिया, साइलेंटली कम एंड सिट, राइट। यू हैव टू कैरी अ नोटबुक एवरी डे, ठीक है। कुछ आपको हाइलाइटर्स खरीदने होंगे, सिंस थ्योरी पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ऐसे भी है हम लोग की, तो थोड़ा रंग खुद ही भर लेते हैं, है ना। तो आप लोगों को कुछ हाइलाइटर्स खरीदने हैं, एक दो एटलीस्ट 3 कलर्ड पेन्स मैं चाहती हूँ आप लोग खरीदो, ठीक है। इफ़ पॉसिबल पोस्टिट्स भी ले आना, मतलब स्टिकी नोट्स जो होते हैं, ठीक है। थ्योरी पेपर को इंटरेस्टिंग बनाने का यही तरीका है गाइज, मतलब
आई कैन फील यू ऑल, यू नो, सो मैनी क्लासेस, सो मैनी सब्जेक्ट्स, और फिर सुबह सुबह 7 बजे बुला लिया थ्योरी पढ़ाने के लिए. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक द क्लासेस एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, ठीक है, एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल. मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सिंस आई हैव डन ऑडिट फॉर 3 ईयर्स, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ऑडिट में, तो मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी. इंटरनल ऑडिट मैंने बहुत की है, तो इंटरनल ऑडिट आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो उसके मैं कुछ इंस्टेंसेस शेयर करूंगी. बट देन मेरे को ये बात जानना है कि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ना है या कुछ प्रैक्टिकल एंगल भी आप लोगों को जानना है, बिकॉज जो जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो मैं वैसा ही डिलीवर करना चाहती हूँ. इफ यू वॉन्ट कि क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस कम हो, आप सिर्फ वही पढ़ाओ जो एग्जाम्स से रेलिवेंट है, तो मैं वो पढ़ाऊंगी प्रैक्टिकल, राइट? बिकॉज वेन आई वॉज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज वॉन्टेड माई टीचर्स टू गिव द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स. जब तक अपने को कोई प्रैक्टिकल बात बताता नहीं, तब तक जहन में उतरता नहीं है, प्रॉब्लम ही है. जहन में नहीं उतरता मतलब कितना रटोगे आप, रट नहीं पाओगे, राइट? तो इसलिए मैं जितना हो सकता है प्रैक्टिकल बनाने का कोशिश करूंगी. बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, समझने से या प्रैक्टिकल एंगल जानने से मार्क्स नहीं मिलते हैं. मार्क्स किस चीज़ से मिलते हैं? हाँ, आंसर्स लिखने से. सो द राइटिंग स्किल ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस. सो आई विल मेक यू राइट अ लॉट. आप लोगों को लगेगा कि ये मैम क्यों लिखा रही है, बुक में लिखा है, बट स्टिल आई विल मेक यू राइट बिकॉज आई नो कि आप लोग लिख नहीं पाओगे. आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, आप लोग लर्न भी कर लोगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एग्जाम में लिखना पड़ता है. तो इसीलिए मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूंगी कि आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट हो सके सब कुछ मैं नोट करवा दूँ कॉपी में. यू ऑल्सो नीड टू मेक अ पॉइंट कि आपको लिखना है, ठीक है? प्रेपरेशन मॉडल क्या होगा? नंबर वन, अटेंड ऑल दी क्लासेस. ट्राई टू मेक अ पॉइंट कि आप लाइव क्लास अटेंड करो. फॉर पेन ड्राइव स्टूडेंट्स ऑल्सो आई वुड से कि आप लोग अगर क्लासेस कर रहे हो तो प्लीज डू इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. आप लोग बीच में छोड़िए मत क्लासेस को, अदरवाइज क्लास का फ्लो टूट जाता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैच अप विद द फ्लो अगेन. सो आप लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे क्लासेस करो. बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 10 to 15 क्लासेस में वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द सिलेबस. एंड देन बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, सब टीचर्स ही बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, क्या करना है? रिवाइज रिवाइज करके आना है. मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, जितना पढ़ाऊंगी उतना आपको रिवाइज करके आना है, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है. आपको एग्जाम लिखना है तो आपको रिविजन करना ज़रूरी है, ठीक है? सभी बोलते हैं पर मेरी बात थोड़ी सुन लेना आप लोग, मतलब. हाँ, देन जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ सेल्फ स्टडी करोगे फॉर योर एग्जामिनेशन, फर्स्ट राउंड इज टू रिकैपिचुलेट द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन द क्लास. आप कितना भी रिवाइज कर लो, सुन लो, अभी जब 6 महीना बाद पढ़ने जाओगे या 5 महीना बाद पढ़ने जाओगे तो ये थ्योरी पेपर नहीं याद रहता है, ठीक है? तो आपको पहली बार, पहली दफा जब आप पढ़ोगे तो आपको रिवाइज करना होगा चीजों को. राहुल, आर यू देयर इन द क्लास? श्योर? तो क्या बोला मैंने अभी? हाँ, सो यू विल टेक टाइम टू रिकैपिचुलेट द थिंग्स, वो एक बार रिमेम्बर करने में कि क्लास में क्या बोला था, वो सब याद करने में टाइम लगता है. पहला पहला राउंड ऑफ सेल्फ स्टडी, जिसको हम लोग आखिरी मान लेते हैं कि यही हमारा सेल्फ स्टडी हो गया है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ थ्योरी पेपर एंड यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स. तो पहली दफा जब पढ़ेंगे तब अपनी चीजों को रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, दूसरी बार आप जब पढ़ रहे हो तब आप मेमोराइज कर रहे हो. एटलीस्ट 50% आपको याद करके जाना है, तब आप एक आंसर 8 मार्क्स का अगर आता है तो कुछ मन से ऐड करके लिख पाओगे. आप सोचते हो आपने रीड किया और आप लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू लर्न. सेकेंड राउंड ऑफ सेल्फ स्टडी इज फॉर लर्निंग, देन मॉक टेस्ट्स. एज एवरीवन सेज, आपको थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है एंड देन फिर जाके एग्जाम देना है. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रेपरेशन मॉड्यूल, ठीक है? ये आपको फॉलो करना है. ये आप सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में फॉलो करो तो बहुत अच्छा है कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको एक बार जाके रिवाइज करो. ट्रस्ट मी, अगर आप सेम डे रिवाइज करते हो, और सिंस मतलब इतना एडवांटेज ये मुझे तो लग रहा है कि एवरी डे अपनी क्लासेस हो रही है अब, तो गैप नहीं होगा. तो आप आज रात को अगर 15 मिनट बैठ के जस्ट फ्लिप कर लो पेजेस को कि आज क्या पढ़ाया गया था, तो आपका काम बन जाएगा. तो उस केस में सिर्फ आपको 15 मिनट्स इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है? ये हो गए कुछ रूल्स और कैसे आपको पढ़ाई करनी है. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को है इससे रिलेटेड? मैं से भी कुछ पूछना है?
हाँ जस्ट इग्नोर दैट फॉर द टाइम बिंग. इफ ड्यूरिंग क्लास यू हैव एनी क्वेश्चन, कुनाल आर यू देयर इन द क्लास? आई डोंट फील इट. यू नीड टू रिस्पॉन्ड. ओके, आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है. इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ वन वे क्लास कि मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हो. मैं कभी भी किसी को भी इंडिविजुअली कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है, जो पढ़ा है ऑब्वियसली. तो स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अगर होंगे ड्यूरिंग क्लास, तो आप लोग क्लास के बीच में नहीं पूछ के उसको क्लास के एंड में पूछो, तो आई विल अप्रिशिएट इट. जस्ट कीप अ नोट ऑफ इट अगर कहीं पे भी क्वेरी हो, ठीक है. अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझा, तो बाद का कुछ नहीं समझा, तो क्लास के बीच में भी पूछ सकते हो, ठीक है. बट मन में मत रखना प्लीज. हाँ, आई विल नेवर अप्रिशिएट इट. जो भी पूछना है एकदम बिंदास खुल के. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ऑडिट. ऑडिट माने क्या? इंटरमीडिएट में पढ़े थे ऑडिट, 50 मार्क्स के लिए तो था ही यार. क्या होता है ऑडिट? चेक करना, वेरीफाई करना. हाँ, चेकिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? अरे वाह क्या बात है, कितना आया था? याद नहीं है, अच्छा आया होगा डेफिनेटली. सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है. रौनक ने बोला ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों ने बोला चेकिंग होता है. तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं. ऑडिट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडेर. हाँ, इंटरमीडिएट की क्लासेस में भी आप लोगों ने सुना होगा. ऑडेर मतलब होता है सुनना, टू लिसन. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, ऐसे फिजिकल अकाउंट्स लेके चेकिंग नहीं होती थी, वेरिफिकेशन नहीं होता था. पहले के ज़माने में अकाउंटेंट एक एम्प्लॉयड होता था, और जो ऑडिटर होता था जिसको चेकिंग करनी होती थी, ही वुड गो टू द कंपनी. अकाउंटेंट बताएगा मैंने ऐसे ऐसे बुक्स प्रिपेयर की है, वो सुनेगा और समझेगा कि सही हुआ या नहीं हुआ, एंड देन वो एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. ये होता था पुराने ज़माने में. बट अब अपने किस नए ज़माने में है ना, तो अभी क्या होता है, ऑडिट का मतलब अगर अभी अपने समझे, तो इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट. किस चीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे? हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स. ये हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की. अगर अपने बात करें तो हम लोग ऑडिट करते हैं ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद वेरीफाई करके क्या करेंगे, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ऑन द ट्रूथनेस एंड फेयरनेस, कि जो बनाया इज इट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. राइट, यही होता है ऑडिट का मतलब. अब आते हैं कॉस्ट ऑडिट में. कॉस्ट ऑडिट मतलब क्या, बाकी सब सेम टू सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप फिनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करते हो, आप किसकी ऑडिट करते हो, कॉस्ट अकाउंट्स की, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. फाइन, दिस इज कॉस्ट ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट, अगर फाइनेंशियल ऑडिट की अपने बात करें, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी, किसी को कोई आइडिया, एनी आइडिया? वे बैक इन 1913, 1913. कंपनीज एक्ट 1913 था, 1956 के पहले, उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट का इंट्रोडक्शन हुआ था. अब अगर अपने डोमेन की बात करें, कॉस्ट ऑडिट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? हाँ, 13 में तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ था. हाँ, 56. एनी अदर वाइल्ड गेसेस? सो कॉस्ट ऑडिट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1965, 1965. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 आया था, 1956 में आया था, और 65 में कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पीछे भी मिलेगा बुक के, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं. कॉस्ट ऑडिट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1965. ठीक है,
अभी अपने पहले पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, फिर अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. यू गाइज नो दिस बेटर देन मी, आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, तो आप लोगों को पता है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है. ये सब थोड़ा बुक में देना पड़ता है ना फॉर्मेलिटी के लिए. ऑब्वियसली नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पता है आप लोग को. प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आके उसको वेरीफाई करेगा. प्रेपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द मैनेजमेंट. इग्नोर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हियर, ओके? जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ. देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस फॉर द कंपनीज दैट स्पेसिफाई द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स, मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर द कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? 24. दोज हु हैव जॉइंड न्यू, आप लोगों के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है? बोलो तो CAS 1 क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरी गुड. सर ने एक ट्रिक दी थी ना आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसी से याद है सारा. नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट. तो सीमा ने जो डेफिनेशन दिया कॉस्ट ऑडिट का, इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑफ द अडेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, की कॉस्ट अकाउंट्स जो बने हैं इज इट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, एंड द अडेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. हर कंपनी का एक कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान होता है, उस प्लान के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ, ये इस पे कॉस्ट ऑडिटर को एक ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है, राइट? नेक्स्ट नीचे आ जाओ आप लोग, जो बोल्ड मार्क किया हुआ है. कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मीन्स द ऑडिटर इज नॉट बायस्ड. द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इज नॉट सब्जेक्ट टू द विशेज ऑफ एनी थर्ड पर्सन, दैट इज द मैनेजमेंट. आपको अपॉइंट किसने किया? आप कॉस्ट ऑडिटर हो, आपको अपॉइंट किसने किया? कंपनी ने, मैनेजमेंट ने. नाउ योर ओपिनियन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेज ऑफ द मैनेजमेंट, अदरवाइज द होल पर्पज, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट विल नॉट सर्व, राइट? सो नाउ लेट्स राइट, कॉपी में आइए आप लोग, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है. चैप्टर वन, Try to learn as much as you can in the class itself. Your name? Jamshed, okay. जितना हो पाए आप लोग क्लास में लर्न करने की कोशिश करिए. मैं भी एक चीज को बार बार रिपीट करूंगी ताकि आप लोग को लर्न हो जाए. कैरी अ नोटबुक फ्रॉम द नेक्स्ट डे एवरी वन. फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स, बोलिए क्या लिखूं पहले. वेरी गुड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सो फॉर थ्योरी, यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज एंड लर्न थिंग्स, यू नीड टू ब्रेक अप द थिंग व्हाट एवर इट इज द कॉन्सेप्ट इन टू पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स करके आपको याद करना है. पर क्या बुलेट पॉइंट्स करके एग्जाम में लिखना है? नहीं, ये सिर्फ अपने सेल्फ पर्पज के लिए. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एंड अप्रेजल. वाई अप्रेजल? बिकॉज कॉस्ट ऑडिट में आप लोग
मैनेजमेंट को सजेशंस भी देते हो फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट? सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल किस चीज का? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. क्या करेंगे फिर एग्जामिन करके? ओपिनियन देंगे, पर उससे पहले वेरिफिकेशन आप किस चीज का करोगे? वेरिफिकेशन अपने करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स का एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान का, वेदर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान हैज बीन अडेयर्ड टू और नॉट. सो राइट, वेरिफिकेशन. करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. एंड अडेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. देन यू Express an opinion for the purpose of expression of opinion. Now the next topic in your book is origin of cost audit. How did cost audit actually originate in India? Indian context में बात कर रहे हैं अभी. तो imagine करिए एक बार कि आप एक NRI हैं, ठीक है, residing in UK for example. घर कहाँ पे? इंडिया में. Now you want to construct a bungalow in India. अभी आप क्या यूके से आओगे बार बार देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है? आपने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरा बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है. अब अरेंजमेंट कैसी की कि जितना खर्चा लगेगा उस पे आप 15% हमसे ले लेना. कॉन्ट्रैक्टर से आपको अरेंजमेंट करनी होगी ना, उसको फीस आप क्या दे रहे हो, जितना भी कॉस्ट इनकर होगा उसका 15% यू विल गिव टू द कॉन्ट्रैक्टर, राइट? अब घर बनाने में मटेरियल लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल टीएमटी बार्स आपको लगेंगे, सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, लाइट्स एट्सेट्रा, ठीक है. लेबर का खर्चा लगेगा, कुछ ओवरहेड्स इनकर होंगे. तो देर आर वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स जो इनकर होने वाले हैं. अब आप क्या यूके से आओगे बार बार देखने कि कितना खर्चा हो रहा है? नहीं. आपने क्या दे दिया, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, हर्ड ऑफ दिस टर्म? कि जितना कॉस्ट लगेगा उसका कुछ परसेंटेज आप उसको एज प्रॉफिट दे दोगे, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो आप तो बार बार आके चेक नहीं करोगे कि कितना खर्चा लग रहा है. तो आपने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को यहां पे अपॉइंट कर दिया जो क्या करेगा, जो चेक करेगा कि एक्चुअल में What has the cost been incurred? क्योंकि आपको उसको प्रॉफिट का शेयर किस पे देना पड़ रहा है, कॉस्ट पे. नाउ दैट पर्सन इफ ही इज डिसऑनेस्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट को इन्फ्लेट करके दिखाएगा ताकि उसका शेयर बढ़ जाए. तो आपने इसलिए एक और बंदे को अपॉइंट कर दिया जो कि इसकी करेक्टनेस को चेक करेगा. दिस इज फ्रॉम अ माइक्रो लेवल. ये मैं आपको आपका एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ. अब प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या होता था, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो देती थी वो हमेशा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे. गवर्नमेंट किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट देती है लोगों को? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जनरली,
है ना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, तो सब कुछ क्या होता था, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता था। अब आप सोचो, आपके बंगलो कंस्ट्रक्शन में लगने वाले हैं 5 करोड़ रुपए, आपको इतनी चिंता है अपने 5 करोड़ रुपए की, गवर्नमेंट का क्या? गवर्नमेंट के कितने करोड़ों रुपए लग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और वो दिए जा रहे हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। गवर्नमेंट ऑल्सो नीडेड समवन हु विल वेरीफाई ऑन द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड। तो इससे शुरुआत हुई थी कॉस्ट ऑडिट की, प्री इंडिपेंडेंस एरा से चल रहा है, बट मैंडेटरी जो किया गया वो हुआ इन द ईयर 1965। ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर द ईयर 1965, क्योंकि कंपनीज एक्ट पहले कौन सी थी, 1956, तो जस्ट रिवर्स कर दो, 65 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कॉस्ट ऑडिट। लेट्स रीड एक बार, नॉट वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट टू बिल्ड द यू नो सिलेबस इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है। इन इंडिया मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स वर गिवन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस। ये आप मार्क कर सकते हो, कॉस्ट प्लस बेसिस। द गवर्नमेंट देन स्टार्टेड वेरीफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इन टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दोज फर्म्स। This trend continued on a large scale during World War II that led to the recognition of cost as a distinct concept, not only in India but also in the industrial economies of the world. A phenomenon of cost consciousness started taking shape in the country. मतलब people started becoming conscious of the costs they were incurring. पहले क्या होता था, सिर्फ accounts बन जाते थे, कॉस्टिंग तो बाद में आई, मतलब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा से दुनिया में रहा है, बट उसको फिजिकली मतलब बुक्स में लेके आना यहां से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टेड टेकिंग शेप इन द कंट्री एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर 1944 विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इन द कंट्री। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अच्छा आप लोगों की इंस्टीट्यूट कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? हाँ 1959, 1959, 1959 द इंस्टीट्यूट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो आप लोग का जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट है दैट इज ईयर 1959, तो ये आप मार्क कर लो 1959 में। सी थ्योरी पेपर्स का एक और ट्रिक होता है कि आप अपने आंसर्स को कैसे एनहांस करते हो। आपको सेक्शन नंबर्स कोट करने होते हैं, आपको कुछ एक्ट्स के नाम कोट करने होते हैं, कुछ रूल नंबर्स कोट करने होते हैं, है ना, इसी से आपका आंसर दूसरों के आंसर से अलग बनता है। और टू मेक इट ईजियर, अब मैं समझती हूँ इस बात को कि आप लोगों के इतने सब्जेक्ट्स हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दी सेक्शंस, ऑल दी रूल्स। तो अपने क्या करेंगे, मतलब मैं अपने एंड से ये कर सकती हूँ, मैं आपको क्लास में इतनी बार रिवाइज कराऊंगी, इतनी बार एक एक रूल का नाम बताऊंगी कि आपके अंदर में एकदम उतार के छोड़ना है मेरे को। ठीक है, ये पेपर मेरे को आपके लिए एकदम इजी बनाना है, मतलब आई वॉन्ट एवरी वन टू स्कोर एन एग्जामिशन इन दिस पेपर एंड इट इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी गाइज। आप लोगों के 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, है ना, MCQs 10 into 2, बस एक ही दुख है कि रीजन भी देना पड़ता है उसके लिए। करेक्ट आंसर मार्क करने से सिर्फ नहीं होता है, इंटरमीडिएट जैसे आपको रीजन भी देना होता है, एंड 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी कितने क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो पता है, किसी ने कभी पेपर देखा है? दो क्वेश्चन तो आप लोग चॉइस में छोड़ सकते हो। तो सिलेक्टिव स्टडी करना थोड़ा पॉसिबल है, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी सिलेक्टिव स्टडी करना, बट इफ़ यू फील बहुत एग्जाम के दिन प्रेशर हो रहा है एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो। तो एग्जेम्पशन लाना इस पेपर में ईजी है काफ़ी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट की। तो गाइस जब अपने कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट अपने किसका कर रहे हैं, अभी अभी अपने डिस्कस किए, कॉस्ट ऑडिट किसका कर रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की कर रहे हैं, ये मैंने सुपर हीरो बनाया है, ऑडिटर इज अ सुपर हीरो। ठीक है, ये ऑडिट करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। कॉस्ट रिकॉर्ड जब अपने सुनते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रही है मुझे एक बार नोट करना है। व्हेनेवर यू हियर द टर्म कॉस्ट रिकॉर्ड्स,
व्हाट आइटम्स या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो आपके दिमाग में आती है? कुछ भी, एनीथिंग। आप लोग तो कॉस्ट चाम्स हो आप लोग, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसको अपने बोलते हैं, ओके, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स बोलूं मैं उसको? कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं। बोलो कुणाल, कॉस्ट रिकॉर्ड से क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही है? कुछ तो आ ही रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि जितना आप अगर दिमाग से, आपके दिमाग से कुछ निकलेगा वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यही बेनिफिट है बस। वेरी गुड, इन्वेंट्री। और WIP, ठीक है, इन्वेंट्री में आ गया। और बोलिए जमशेद, डरना नहीं है, हाँ एकदम चिल करके। हाँ उसमें वो अपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कवर हो गए। और टर्नओवर, रिकॉन्सिलिएशन, वेरी गुड, रिकॉन्सिलिएशन। जिन लोग प्रैक्टिकली किए हैं उनको पता होगा व्हाट अ पेनफुल टास्क इट इज टू प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलिएशन आता है अपने दिमाग में। फिर कॉस्ट अकाउंट्स बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। प्राइस अपने कॉस्ट जितना इनकर के उसके हिसाब से फिक्स करते हैं, तो मेरे दिमाग में आ रहा है फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। और अगर अपने अपना थोड़ा सीआईडी दिमाग रन करें तो झोल हो सकता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स में। फ्रॉड्स एंड एरर्स हो सकते हैं। तो जब भी अपने कॉस्ट रिकॉर्ड सुन रहे हैं तो अपने दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं, अपने सबके दिमाग का मिल के अक्यूमुलेट होके ये सारी चीजें आ रही हैं। यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जब कंडक्ट हो रहा है तो इट इज टू वेरीफाई वेदर द कॉस्ट अकाउंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, टू डिटर्मिन वेदर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज करेक्ट और नॉट, टू फैसिलिटेट द प्रेपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स अगर हो रही है उसको डिटेक्ट करना, करेक्ट करना। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, अच्छा सॉरी सॉरी, दिस इज फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, ठीक है यार, हो जाती है। मैं जानबूझ के लिखी थी ऐसे। स्मार्ट हो आप लोग वैसे, ठीक है, समझ आ गया। क्या क्या पॉइंट्स है एक बार फिर से बोलते हैं बिना देखे, इधर देख के एवरीवन। एरर्स एंड फ्रॉड्स, कुछ इररेगुलरिटीज अगर है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने नहीं बोली जो सर हमेशा बोलते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट में। वेरी गुड, अबनॉर्मल लॉसेस। तो डिटेक्शन करेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस, इसको लिख लो, हेडिंग होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। पहले जितने पॉइंट्स खुद के दिमाग में आ रहे उतने लिखो, फिर बोर्ड पे देख के लिखना है।
डन। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो खुद से याद आ रहे थे, या सब कुछ देख के लिख रहे थे? सब कुछ बिना देखे, वेरी गुड। सो देखते हैं बुक में, आइए एक बार। ये जो नोट्स है ना, ये मैं इसलिए शॉर्ट में लिखवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के पहले कितना टाइम मिलता है? 6 आवर्स, 8 आवर्स आई गेस, सेम नेक्स्ट डे एग्जाम होता है आप लोगों का। तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए एग्जाम के पहले, आपको एक बार देख के जानी चाहिए, वो मैं कॉपी में आपको उतरवा दे रही हूँ, ताकि अगर इतना बुक का पढ़ने का टाइम नहीं मिला, आप एटलीस्ट कॉपी को एक बार फ्लिप करके जा सको। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स फर्स्ट पॉइंट, वैसे बोल्ड किया हुआ है फिर भी आप थोड़ा रंग भर दीजिए ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में। इंश्योरिंग दैट द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स आर ड्यूली अडेयर्ड टू। कौन सा रूल बताते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है? नहीं, रूल, रूल नंबर कौन सा होते हैं? दैट इज द फॉर्म नंबर। रूल नंबर कौन सा होते हैं? रूल 3 होते हैं जो बताते हैं किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स। रूल 4 होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट पे। रूल 5 होता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे। तो उस उन रूल्स के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए या नहीं हुए। सो व्हाट इज द की पॉइंट हियर? द प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोसीजर्स हैव बीन अडेड टू और नॉट। फाइन, नेक्स्ट अपने पढ़ी लिए ये चीज, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बीच का जो पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर, नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, बिकॉज वंस द कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर अटेस्टेड बाय अ सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, दे बिकम मोर रिलायबल। भरोसा उस पर ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से प्राइसेस फिक्स करना और ज्यादा ईजी होता है और उस पर रिलायंस भी इंक्रीज हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट पीरियोडिकल रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। आप लोग ये भी चेक करते हो ना कि मटेरियल कहीं ज्यादा तो नहीं लगा, स्पिलेजेस, लॉसेस, वेस्टेजेस, इसको भी अपने एनालाइज करते हैं, राइट? तो अपने ये चेक करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ रिसोर्सेज का। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉसेज, इनकल्केशन ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस, बताया मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कॉस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में। एडवाइजिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑडिट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वी प्रोवाइड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट टू द मैनेजमेंट और द कंपनी। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस इंक्रीज होती है इससे। ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। आप एटलीस्ट 8 पॉइंट्स आपको यहां पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक बार सिंक इन कर लो अभी तक जितना पढ़ा अपने पढ़े। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, ओरिजिन कैसे हुई, नॉट रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या होते हैं। ठीक है, रूल कौन सा होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट का? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रूल 4, ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल 3। रूल 3 ऑफ व्हाट, विच रूल्स, फुल फॉर्म, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, तो ये भी आपको हमेशा रूल 4 नहीं लिखना है, आपको रूल 4 के साथ वो रूल कौन से रूल्स से आया ये भी लिखना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंपनीज एक्ट में बहुत टाइप के रूल्स होते हैं, हर चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं। हर रूल के अंदर, मतलब हर सेट के अंदर आपको रूल 4 मिलेगा, तो रूल 4 ऑफ व्हाट, दैट आल्सो यू हैव टू राइट। फाइन, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप लोगों ने पढ़े कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक बार लिख लीजिए यहां पे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाउ मेनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एनीवन?
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं? 4 ओनली. यहाँ पे 24, वहां पे आगे का 2 हटा दिया, ओनली 4. 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इशूइंग एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कुणाल? कोई भी स्टैंडर्ड क्यों इशू किया जाता है? यूनिफॉर्मिटी रहे. यूनिफॉर्मिटी उसी को बोलते हैं, सबके लिए एक जैसा रहे. और हाँ, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं हो, राइट. कंसिस्टेंसी बनी रहे. एक कंपनी एक ईयर में कुछ फॉलो कर रही है, नेक्स्ट ईयर में कुछ फॉलो कर रही है, कॉस्ट ऑडिटर का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा जाके, है ना. तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है. मैनेजमेंट को भी पता चलता है कि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है. अदरवाइज कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे बनाने हैं. इसी इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. वैसे ही हमारे अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंड एएस होते हैं, राइट. हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है, इसीलिए जाते हैं क्योंकि एक यूनिफॉर्म अप्रोच चाहिए होता है जिससे कि अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए. ठीक है, तो अपने एक बार पढ़ लेते हैं. अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी स्टैंडर्ड होते हैं, उसका इशुएंस का प्रोसेस क्या होता है? एक इंस्टीट्यूट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है जो कि एक ड्राफ्ट बनाता है कि ये स्टैंडर्ड होने वाला है. फिर वो ड्राफ्ट को अप्रूव किया जाता है, उसमें एक एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है फॉर द कमेंट्स ऑफ द पब्लिक, फॉर द कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करने वाले हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उनके कमेंट्स के लिए एक्सपोजर ड्राफ्ट पहले पब्लिश किया जाता है, फिर कमेंट्स को कंसिडर करने के बाद जो काउंसिल होता है इंस्टीट्यूट का वो इसको पब्लिश करता है, एंड देन इट गेट्स द अप्रूवल ऑफ द एमसीए. एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. उसके बाद ये आपका फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है जिसको फॉर्मली फॉलो करना पड़ता है. अच्छा, मैंडेटरी है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कोई भी कंपनी के लिए? मैंडेटरी नहीं है. बट विच एवर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है. इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, यू नीड टू गिव अ प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट अकाउंट्स, राइट. सो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना. सो लेट्स रीड वंस. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर डिजाइंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट्स टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ CASB, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेटिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या इसके एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के? इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट्स. इंटीग्रेट, हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता देता है कि ये आपको फॉलो करना है. गाइडेंस टू यूजर्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. यूजर्स मतलब कि जो मैनेजमेंट उसको यूज करके अकाउंट्स बना रहे हैं. बेसिस, अराइव एट द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिविटी और सर्विस. Enable practicing members to make use of cost accounting standards in the attestation. अब अपने जब जाके cost audit कर रहे हैं तो कुछ standards है, तभी तो अपने audit कर पा रहे हैं ना कि इस standard के हिसाब से ये लिखा है, ये follow किया गया या नहीं किया गया. So it helps the practicing members also in the attestation services. Assist in clear and uniform understanding of all the related issues to various user organization, government bodies, regulators or research agencies. फाइन, एक बार रीड कर लीजिए आप लोग. पैकिंग मटेरियल पे कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है?
CS9, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। हाँ कौन बोला? वेरी गुड। 24, लर्न करना आप लोगों को ये सब, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेशली। आप भी एक बार सुन सकते हो, क्लास नहीं की तो क्या हुआ। जिनकी भी क्लासेस छूटी हुई है वॉल्यूम 1 की, आई विल एडवाइस कि आप इसके साथ साथ ही उन क्लासेस को भी कंप्लीट कर लो, ताकि ये सब्जेक्ट पूरा आपका पैक हो जाए एक बार में। नेक्स्ट इज सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हम लोगों के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी में बोला गया कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है कुछ कंपनीज के लिए, कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है कुछ कंपनीज के लिए। तो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एक चीज मैं और रेकमेंड करूंगी, आप लोगों के बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहां पे दिए हैं उसके पहले एक स्पेस फॉर सेल्फ नोट्स है, पेज 115 के पहले, है ना? तो इसमें अपने हम एक रूल्स और सेक्शंस की लिस्ट मेंटेन करेंगे, जब भी कोई नया रूल पढ़ेंगे, कोई नया सेक्शन पढ़ेंगे, यहां पे अपने नोट कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपने कौन सा रूल? रूल 5, रूल 5 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, ये ब्रैकेट में रहेगा। हमेशा रूल्स के नाम ना कंपनीज रूल्स होते हैं, कंपनीज रूल्स 2014। अब वो किस चीज के रूल्स हैं वो ब्रैकेट में रहते हैं, ठीक है? तो कंपनीज इट्स कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। मतलब यू हैव टू राइट बेसिकली रूल नंबर 5 ऑफ दिस कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स इज ऑन मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। दिस इज ऑन मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट राइट सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज ऑन कॉस्ट ऑडिट। इस सेक्शन का नाम एक्चुअली कॉस्ट ऑडिट है, इसमें बताया गया रूल्स रिकॉर्ड्स के बारे में भी, बट सेक्शन का नाम कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है? कभी मैं भूल भी जाऊं तो आप लोगों की ये ड्यूटी है कि जो भी नया रूल या सेक्शन पढ़ेंगे यहां पे आके छाप देने का, ठीक है? सेक्शन 148 सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो कभी भी बोल सकता है कि इन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ये कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली गवर्नमेंट को एक राइट दे रहे हैं कि आप कभी भी बता सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि इन कंपनीज के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है या कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अब जो ये क्राइटेरिया रहता है ये कहाँ पे स्पेसिफाइड रहता है, आप लोगों को पता है ना ये बात, कि सेक्शन में कोई भी, अगर आप लॉ का सेक्शन पढ़ते हो कभी भी उसमें कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं रहता है। क्राइटेरिया, व्हाट डू आई मीन बाय क्राइटेरिया, जो लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट होती है कि इस इतना टर्नओवर के बाद कॉस्ट रिकॉर्ड्स मैंडेटरी। तो ये जो लिमिट रहती है ये कभी भी हमेशा रूल्स में लिखी रहती है। क्यों? इसका रीजन क्या होता है कि कभी भी एक्सटेंड करना है तो जाके एक्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा आपको जो बेयर लॉ होता है, बेयर एक्ट होती है, उसके सेक्शन में वर्ड्स मिलेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का यही मतलब होता है कि जाके रूल्स को देखो, रूल्स में क्या लिखा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट।
सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज एज अंडर. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. क्या मतलब हुआ इसका? टेबल ए एंड टेबल बी, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स. हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर कवर्ड टोटल? रेगुलेटेड में 6, लिख लेते हैं एक बार, रेगुलेटेड में 6, नॉन रेगुलेटेड में, हाँ नंबर तो एटलीस्ट याद होना चाहिए ना योगेश? याद नहीं है? चलो कुछ तो मैम को भी बताना चाहिए ना, हर चीज हम लोग से ही पूछ रही है. रेगुलेटेड में 6, नॉन रेगुलेटेड में 33, टोटल 39. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ही इंक्लूडेड होते हैं ना, ये तो पता है ना, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज होते हैं सिर्फ वही इंक्लूडेड रहते हैं टेबल ए टेबल बी में. एक चीज बस और पूछना है मेरे को प्लीज, रेगुलेटेड में कौन कौन कवर्ड है 6 ये बता दो एक एक करके. टेली कम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स, शुगर, फर्टिलाइजर्स, हाँ शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, वो एक साथ आ जाते हैं. तो ये 6 कवर्ड होते हैं रेगुलेटेड में, बाकी 33 नॉन रेगुलेटेड में. एक दो एग्जांपल नॉन रेगुलेटेड का, आयरन एंड स्टील, हाँ ओके, कोल, आर्म्स एंड अम्युनिशन, टर्बोजेट्स, सीमेंट, टेक्सटाइल, ये सारे कुछ नॉन रेगुलेटेड के एग्जाम्पल्स हैं. तो कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज विच आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट क्या करेगा? डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल और लेबर और टू अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाई दोज क्लास ऑफ कंपनीज. वॉट इज द क्राइटेरिया? ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 crores, लिख लीजिए एक बार. तो ये जो सबसेक्शन 1 है इट इज ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर कंपनीज जिनका ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 crores. ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, कंपनी का टर्नओवर, कवर्ड या नॉन कवर्ड भी चलेगा, मतलब कि सिर्फ टेबल ए टेबल बी प्रोडक्ट्स या ऑल प्रोडक्ट्स? ऑल प्रोडक्ट्स. सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं? इन द सेंट्र इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1. इसका मतलब क्लियर हो गया कि जिनका कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है उन्हीं का कॉस्ट ऑडिट होगा. बाय लॉजिक भी यही सही है, जिनका रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है उसी का ऑडिट होगा. एंड विच हैव अ नेट वर्थ ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और अ टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी कंडक्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर. ठीक है, तो अभी जो क्राइटेरिया वो टर्नओवर पे या नेटवर्थ पे है? टर्नओवर पे. पर अगर कभी गवर्नमेंट का मन किया तो नेटवर्थ पे भी क्राइटेरिया बना सकते हैं. अभी क्राइटेरिया क्या है कॉस्ट ऑडिट का? फॉर टेबल ए प्रोडक्ट्स 50-25 ओवर. जमशेद बोलिए, रेगुलेटेड के लिए कॉस्ट ऑडिट का क्राइटेरिया होता है कि जो ओवरऑल टर्नओवर होता है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए एंड एग्रीगेट एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू. और नॉन रेगुलेटेड के लिए आकाश बोलिए. आकाश आकाश बोलेगा 100 crores एंड 35, है ना 135. तो ये क्राइटेरिया हो गया अपना कॉस्ट ऑडिट के लिए. द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी कंडक्टेड बाय, तो पॉइंट 2 के लिए आप लोग लिख लीजिए कॉस्ट ऑडिट. पॉइंट 2 इज ऑन कॉस्ट ऑडिट, मतलब सबसेक्शन 2 जो है हमारा दैट इज ऑन कॉस्ट ऑडिट. सबसेक्शन 3 हम लोग के लिए बना है, बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकते हैं?
अ कॉस्ट अकाउंटेंट. नाउ ओवर हियर एक्चुअली देर इज एन अमेंडमेंट इन द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, बट आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, पता ही है हम लोगों को कि अमेंडेड नहीं रहता है जनरली, तो उसमें कंपनीज एक्ट की बहुत सारी अमेंडमेंट्स है जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, बट हम लोग के स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड है. आई वॉन्ट कि आप लोग एकदम अपडेटेड पढ़ें जो भी पढ़ें, बट इंस्टीट्यूट का बुक से अगर मैच करने कभी जाएंगे तो ये मैच नहीं होगा. पहले क्या था, पहले वर्ड्स थे बाई अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अभी क्या रिप्लेस हो गया, बाई कॉस्ट अकाउंटेंट. इसका मतलब क्या हुआ, क्या जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में नहीं है, कैन ही और शी कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट? क्या लगता है आप लोग को कि जो प्रैक्टिस में नहीं है वो भी कर सकता है कॉस्ट ऑडिट? बोथ कैन. वॉट इज द रेलिवेंस ऑफ देन होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस? थोड़ा सा सोचिए एक बार, क्या वे आउट हो सकता है इसका. कंपनीज एक्ट में इसमें पहले कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लिखा था, अभी लिख दिया कॉस्ट अकाउंटेंट. तो क्या वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. कॉस्ट अकाउंटेंट का एक डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में. उन लोग जाके कर दिया क्या कि कॉस्ट, वहां पे जो डेफिनेशन है उसमें लिख दिया कि द कॉस्ट अकाउंटेंट शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हु इज होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. यहां से वर्ड हटा के वहां कर दिया. तो बेसिकली लॉ में कुछ चेंज नहीं हुआ. इसको पढ़ के कभी भी ये नहीं इंटरप्रेट करना है कि भाई बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सब हो जाएगा. तब तो भाई व्हाई विल पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, है ना? क्लियर हुआ? तो द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाई अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाई द बोर्ड. हु विल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. अरे आई फील गुड व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड. आप लोग अच्छे से एकदम, यू नो, यू शुड बी एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक. प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. आकाश हम लोग को समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है. अच्छा एक हिंट दे रही हूँ, सेक्शन 139 मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर. हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते, राइट? ये लाइन मेरे हिसाब से, मतलब ये प्रोविजो ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बिकॉज एनी वे अ कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड बाई अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट ऑन द अदर हैंड कंडक्टेड बाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. और एक साथ अगर अगर मैं सीए और सीएमए दोनों हूँ, फॉर एग्जाम्पल, नहीं हूँ लेकिन अगर होती तो क्या मैं दो प्रैक्टिस एक साथ कर सकती हूँ, सीए और सीएमए दोनों का? नहीं, एक ही प्रैक्टिस कर सकती हूँ. तो एनी वे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के नॉट डू द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, राइट? फिर भी एड कर दिया एक प्रोवाइजो. Provided further that the auditor conducting the cost audit shall comply with the cost auditing standards. So, अगर आप लोग मेरे से पूछते हो कि मैम मैं कॉस्ट ऑडिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना मैंडेटरी है? यस है. कौन बोलते हैं मैंडेटरी है? सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि इफ यू आर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू कंप्लाई बाई द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वही स्टैंडर्ड जो हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं, इशू करते हैं. नाउ एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143. पता ही हम लोग को 143 में क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज इज गिवन इन सेक्शन 143. तो दिस ऑडिट इज इन एडिशन. इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट ऑडिट हो रहा तो फाइनेंशियल ऑडिट को गोली मारने का, ऐसा नहीं, ठीक है? द क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स अंडर दिस चैप्टर शैल एज फार एज मे बी एप्लीकेबल अप्लाई टू अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन. मतलब क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो भी राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ऑन कॉस्ट ऑडिटर. तो पॉइंट फोर के लिए अपने कुछ लिखे हैं क्या? अच्छा यहां पे लिख लीजिए एक बार, जहां पे प्रोवाइजो थी ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑडिटर. डबल रोल नहीं चलेगा.
समझ गए ना आप लोग कहाँ लिखना है, जहां पे ये लिखा था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो 139 के अंडर अपॉइंट हुआ है, दैट पर्सन कैन नॉट कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। यू गाइज आर एबल टू फॉलो मी ना? हाँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू टेल मी कि मैम थोड़ा स्लोप करिए या जो भी बोल सकते हो बिंदास एकदम। तो अपने पढ़ रहे थे कि क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की है सेम अप्लाई होती है कॉस्ट ऑडिटर पे भी। ये पॉइंट फोर बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिट पे किसको देता है? फॉरवर्ड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में होती है? एनीवन? CRA 3। बट मैंने तो सुना है CRA 4 भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का। हाँ, राइट, CRA 4। जिन लोगों को नहीं पता, CRA 3 वो फॉर्म होता है जिसमें कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट। और CRA 4 इज द फॉर्म इन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फर्निशेज इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन, अगर ऑडिटर ने कुछ रिजर्वेशंस या क्वालिफिकेशन दिए हैं, कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए हैं, तो उस पे कंपनी को अपने एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते हैं कि ऐसा ऑडिटर ने लिखा तो इसका रीजन हमारी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, XBRL फॉर्मेट में कौन सी रिपोर्ट जाती है? किसी को कोई आइडिया है XBRL फॉर्मेट का? CRA 3 जाते हैं या 4 जाते हैं? 3? श्योर? 100% श्योर? CRA 3। CRA 3 तो कॉस्ट ऑडिटर दे रहा है कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है? CRA 4 जा रहा है। तो जो XBRL फॉर्मेट इतना हल्ला मच रहा है XBRL फॉर्मेट का, वो CRA 4 होते हैं। CRA 4 को कंपनी, एक्चुअली द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल CRA 4 इन XBRL फॉर्मेट टू द गवर्नमेंट, बट कंपनी को इतना एक्सपर्टीज नहीं होता है, इसलिए हम लोग उन लोग के बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में। कोई कन्फ्यूजन है? राहुल पूछ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो। श्योर? मुझे आपका चेहरा से लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है बहुत देर से। हाँ पूछिए ना, पूछिए। नहीं, कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट CRA 3 में देता है जिसमें क्वालिफाइड रिमार्क्स होते हैं। फिर जो CRA 4 होता है उसमें भी स्पेस रहता है टू गिव द क्वालिफाइड रिमार्क्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। उसके बाद कंपनी एडिशनली उसमें अपने एक्सप्लेनेशंस देती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अ कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ सच रिपोर्ट अलॉन्ग विथ फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी क्वालिफिकेशन और रिमार्क्स। मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को मिली CRA 3 में, उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को CRA 4 किसको देना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, CG को। यहाँ लिखिए CRA 4। ये सब जो फॉर्म नंबर्स है ये तो यहाँ सेक्शन में कहीं नहीं लिखे, सेक्शन 148 में। अपने को कैसे पता कि ये फॉर्म्स हैं? रूल्स में लिखा है। कौन से रूल्स में? कंपनीज CRAR, CRAR बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट 7। इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अगर गवर्नमेंट को लगता है, मतलब गवर्नमेंट के पास CRA 4 गया, उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई थी हर रिजर्वेशन हर क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसके बाद भी गवर्नमेंट चाहती है मेरे को एडिशनल और आप लोग क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करिए, गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो गवर्नमेंट कैन एट एनी टाइम आस्क फ्रॉम द कंपनी फॉर एडिशनल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक बार खुद से रीड करिए आप लोग पॉइंट 6। डन? अगर इस सेक्शन का आपने उल्लंघन किया तो
द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 147 अपने बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आज या फिर कल पढ़ेंगे वापस. द कॉस्ट ऑर्डर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2-5 ऑफ सेक्शन 147. तो सेक्शन 147 में एक्चुअली दी गई है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. कंपनी को पनिशमेंट मिलती है या फिर ऑडिटर को पनिशमेंट मिलती है? ऑडिटर को या दोनों को? अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी को मिलेगा अकॉर्डिंग टू 147, और अगर हाँ सबसेक्शन 1, और अगर कॉस्ट ऑडिटर ने वायलेशन किया तो कॉस्ट ऑडिटर को पनिशमेंट मिलेगी. दोनों को पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 147 में एक पनिशमेंट दी गई है कॉस्ट ऑडिटर के लिए और कुछ एक पनिशमेंट मतलब एक आपको फाइन और पेनल्टी दिया गया है कंपनी के लिए, ठीक है.